आज हम आपको इस वीडियो में बीएसएफ से जुड़े तीन घटनाक्रम समझाएंगे। पहला, गृह मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का फैसला किया। असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल में सीमा से 50 किलोमीटर भीतर तक के दायरे में बीएसएफ ऑपरेट करेगी। पहले ये दायरा 15 किलोमीटर का था। तब कहा गया था कि ये कदम तीनों सीमावर्ती राज्यों के नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए जरूरी था। दूसरा नंबर, बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में जनसंख्या संतुलन बिगड़ गया है और शायद इसलिए केंद्र ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया है। तीसरा, शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में सैनिक सम्मेलन के दौरान बताया कि सरकार ने बीएसएफ में 1.5 लाख जवानों की भर्ती के प्रस्ताव मंजूरी ले ली है। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने इसी महीने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में हथियारों, नशीले पदार्थों और जाली नोटों की तस्करी जैसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए कहा कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार का उद्देश्य इस बल को अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभाने में समर्थ बनाना है। उन्होंने कहा, इसके अलावा पशु तस्करी के खतरे को रोकने में मदद मिलेगी क्योंकि तस्कर बीएसएफ अधिकार क्षेत्र से बाहर वाले आंतरिक इलाकों में शरण ले लेते हैं। केंद्र सरकार ने बीएसएफ में 1.5 लाख लोगों की भर्ती को मंजूरी दी है। अभी उसकी ताकत 2,65,000 जवानों की है। जैसलमेर में आयोजित सैनिक सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा, हमने 50,000 भर्तियां पहले ही कर रखी हैं और अतिरिक्त 1 लाख को भर्ती करने की प्रक्रिया चल रही है। शाह ने कहा कि सरकार जवानों की समस्याओं को समझने और उनका हल निकालने की कोशिश भी कर रही है। शाह बीएसएफ जवानों के साथ बॉर्डर आउटस्पॉट भी रहेंगे। वो ऐसा करने वाले पहले गृह मंत्री होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।